लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। यह फाउंटेन दिखने में बेहद खूबसूरत है। इसमें भरा लिक्विड चांदी की तरह चमकता है। इसमें हाथ डालकर इससे खेलने का मन करता है, लेकिन खबरदार, ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। यह फाउंटेन पानी नहीं, मरकरी का है। मरकरी यानी पारा एक बेहद खतरनाक धातु है, जो शरीर में चली जाए तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। हालांकि इस खतरे के बावजूद हजारों लोग इस फाउंटेन को देखने आते हैं, जिनके लिए सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। यह बार्सिलोना के फंडेसियो जॉन मिरो नामक म्यूजियम में स्थित है। इस फाउंटेन को अलेक्जेंडर कैल्डर ने बनाया था, उन्हीं के नाम पर इसे कैल्डर्स मरकरी फाउंटेन कहते हैं। अमेरिकन स्कल्पचर आर्टिस्ट कैल्डर ने स्पेन सरकार के अनुरोध पर 1937 में यह फाउंटेन बनाया था। दरअसल स्पेन की रिपब्लिकन सरकार अल्माडेन की मरकरी खान के बारे में दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी, जिस पर उन दिनों विद्रोही सेना का कब्जा हो गया था। स्पेन में 3 साल तक चलने वाला गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ था। उन दिनों अल्माडेन में मरकरी की बड़ी खान थी। 20वीं सदी में अकेले यहीं से दुनिया का 60% मरकरी निकाला जाता था। स्पेन की तत्कालीन सरकार ने यह मरकरी फाउंटेन 1937 में पेरिस में हुए वर्ल्ड फेयर में प्रदर्शन के लिए बनवाया था। हालांकि उस समय तक मरकरी के दुष्प्रभावों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। बाद में आर्टिस्ट ने यह फाउंटेन म्यूजियम को गिफ्ट कर दिया। गौरतलब है कि मरकरी के सीधे संपर्क में आना तो खतरनाक है ही, इससे निकलने वाली वाष्प भी कम नुकसानदेह नहीं होती। यही वजह है कि फिलहाल म्यूजियम में इस फाउंटेन के सामने कांच की मोटी दीवार लगाई गई है। विजिटर कांच की दीवार के पार से ही फाउंटेन को देख सकते हैं। मरकरी ही एकमात्र धातु है जो सामान्य तापमान पर लिक्विड रूप में रहती है। इसी गुण के कारण इसका इस्तेमाल पारंपरिक थर्मामीटर में होता है। इसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉनिक सामानों में भी यूज होता है। मरकरी के संपर्क में रहने से बेहद तेज खुजली और जलन होती है और अंततः व्यक्ति की मौत हो जाती है। यूरोप में एज मैड एज हैटन मुहावरा प्रचलित है। 19वीं सदी में हैट बनाने वालों में खुजली, जलन और विक्षिप्तता के लक्षण पाए जाते थे। उस समय टोपी बनाने की प्रक्रिया में मरकरी का इस्तेमाल होता था।